आखिर में क्यों, या आपको पहले क्यों नहीं? यह आक्रोश पहले भी था लेकिन कमरे के अंदर था। जब वो आक्रोश फट गया हमारा और हमारी बात को और झूठ बात दी और बेबुनियाद झूठ के बुनियाद पर जब उस मकान को आगे वो बढ़ाते चले गए तो मैंने कहा कि झूठ की बुनियाद में पार्टी चलेगी, क्योंकि जो मैं कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मत बुलवाइए, क्योंकि आपने 3.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को अनाप शनाप बुलवाया, अब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अनाप शनाप बोलो, तो ना मैं ना उनके समाज के लोग ना उनके पार्टी के कोई पदाधिकारी इस बात के लिए तैयार हुआ। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, हमने हिम्मत जुटाई, हमारे कोर कमेटी के लोगों ने हिम्मत जुटाई और हम लोगों ने उनसे हटकर ये कहा कि हम लोग सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, आपको झूठ बोलना है झूठ बोलिए। और आपकी पार्टी परिवारवादी और वंशवादी और भाई जान पार्टी हो गई है। आपके घर में अब 4 लोग ही निर्णय करने वाले रह गए, 3 अपने और 1 भाई जान, जिनके बदौलत वहाँ रसान उनका कार्यालय चल रहा है, जिनके आशीर्वाद से वो कार्यालय और जमीन भी हुआ है। और जब ऐसे पार्टी में हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं रह गया तो वहाँ रहने का क्या मतलब? ओम प्रकाश राजभर से आपकी दूरी कुछ समय पहले हो गई है, उसके बीच में कब राजभर अभी एक बार वाराणसी जाएंगे, उस समय आप लोगों ने विरोध का क्यों नहीं सोचा, अब अचानक से विरोध क्यों? उस समय भी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस वार्ता करके और कार्यक्रम करके हम लोगों ने विरोध जताया था। और 11 सितंबर से लगातार अनवरत मैं उनका विरोध करता आ रहा हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक उनका विरोध हम और हमारी राष्ट्रीय समता पार्टी करती रहेगी, क्योंकि उनकी नीति और नीयत सही नहीं है। और केवल उनकी नीति है फूट करो और राज करो, तो इसलिए आज फूट फूट कर लोग मेरे पार्टी बनाने के बाद, हम लोगों के पार्टी बनाने के बाद सबके अंदर जोश जज्बा जुनून और हिम्मत पैदा हुई और आज देखिए इनका किला एक एक किले में डेली ढारा 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 ही रहेगा। जब तक आज जितने भी लोग उनके पार्टी को छोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके दोनों पुत्रों के कारनामे से ही छोड़ रहे हैं। जिस दिन जब तक वो अपने दल से अपने दोनों लड़कों को निकाल नहीं देते हैं यह निरंतर यह किला उनका ढहता जाएगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय समता पार्टी कोर कमेटी के लोग एक न्यू थे उस पार्टी में, वो न्यू का ईटा सब लोग निकल चुका है। एक पांडवों का सन ऑफ पांडवों का यह ग्रुप है और यह सन ऑफ ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग बनारस में भग राजभर के नाम से चर्चा करा रहे हैं, 27 तक चर्चा कराएंगे और 27 को बनारस में प्रवेश नहीं करने देंगे। पोस्टर कैसा जारी किया आप लोगों ने? पोस्टर यही किया, देखो देखो कौन आ रहा, ठगेरा आ रहा, ठगेरा आ रहा है, बनारस के भोली भाली जनता और राजभर समाज के लोगों को फिर से ठगने के लिए आ रहा है और ठग राजभर उनका नाम है। सिक्योरिटी क्या कर लेगी उनको? उनसे बड़ा सिक्योरिटी राष्ट्रीय सत्ता पार्टी के पास है, उनसे बड़ा समूह राष्ट्रीय सत्ता पार्टी के पास है। देखते हैं कितनी ताकत लगाती है सिक्योरिटी उनकी रोकने के लिए, हम भी दिखाते हैं अपनी ताकत। उनकी सिक्योरिटी असलहों से लैस रहेगी, हमारी सिक्योरिटी भी असलहों से लैस रहेगी। और बताइए चैलेंज दे रहे हैं अब राजभर को कि बनारस की धरती को कदम रख के दिखाओ। राजभर को चैलेंज कर रहे हैं या शासन को? सरकार राजभर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उनके प्रोटेक्शन में जो है उसको भी चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे उनके लोग हों और चाहे जो भी। यस यस यस, अरे भैया सन ऑफ पांडव बोल तो दिए, सन ऑफ पांडव देख लीजिए पांडवों का ग्रुप, एक आदमी गदा चलाएगा, एक आदमी सुदर्शन चक्र चलाएगा, एक आदमी तीर धनुष चलाएगा। अरे वो सरकार में है कि सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, क्या है वो एक विधायक है ना, है विधायक मैंने क्या होता है भाई साहब, सरकार आप बताइए क्या होता है विधायक मैंने होता है? एक विधानसभा का जनप्रतिनिधि जो उनकी समस्याओं को सुने और समस्या के नहीं, जो विधानसभा में लोग रहते हैं उनकी हर बात को सुनने का वो पेशेंस रखे, उसी को विधायक। आखिर में ऐसा क्या हुआ, कल तक उसी विधायक का प्रोग्राम करते थे इन्हीं लोगों के साथ मिलकर, अब झूठ बोलने लगा? झूठा आदमी झूठ बोलने। ऐसा नहीं लगता कि ये आपके पार्टी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से भटक कर एक आदमी पीछे पड़ गए? नहीं, उन्होंने सिखाया ना मुझे कि भाजपा में रहो तो भाजपा का घंटी बजाओ, भाजपा दिख लो तो घंटा बजवाओ,
सपा में जाओ तो सपा का गुणगान करो, और सपा सिंह सपा का घंटा बजवाओ तो उनका घंटा कौन बजाएगा? शशि प्रताप सिंह ने बजाया, कौन बजाया घंटा उनका? जब से आपने पार्टी का गठन किया है, आपका विजय जनता पार्टी, आपने एक बार भी किसी भी कार्यक्रम में राज्य के हित में, समाज के हित में, अपने शहर के हित में आप क्या करेंगे उसके बारे में? लेकिन आप ओम प्रकाश राजभर को लेकर लगातार बढ़ रहे हैं। वो मैं बता दूं, 1000 जगह मैं बयान दिया हूं कि राष्ट्रीय समतावादी वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ यह पार्टी बनी है। राइट टू प्रॉमिस का एक कानून लाने के लिए पार्टी बनी है, जिसके लिए मैं निर्वाचन को पत्र लिख चुका हूँ, वहाँ से आ भी गया लेटर। मैं महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, महामहिम नहीं लोकसभा स्पीकर तक मैं पत्र लिख दिया हूँ कि जितनी भी देश में पार्टियाँ हैं, जितने भी नेता हैं जो चुनाव लड़े हैं और लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए एफिडेविट एक जारी करें कि जो मैं वादा करूंगा उसको पूरा करूंगा, अगर पूरा नहीं करूँ तो अगले बार उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। तीसरा मुद्दा, महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी अब प्रदेश में मिलनी चाहिए, 50-50%, और पूर्वांचल अलग राज्य होना चाहिए। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ वाला राज्य अलग होकर सुखी हो सकता है, तो 8-9 करोड़ वाला पूर्वांचल को क्यों नहीं अलग किया जा रहा? हमारा मिशन मुद्दा है, इसमें 7 शब्दों में देखिए लिखा हुआ सब कुछ एक चीज। और सुनिए, सबसे बढ़िया मुद्दा मैंने सरकार को कहा है और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारी फ्री की योजना बंद करो, केवल शिक्षा और चिकित्सा को निःशुल्क कर दो, अपने आप देश का विकास, देश के लोगों का विकास हो जाएगा। अच्छा, जब उनका जन सवाल बता रहे 27 को है तो किस तरह से विरोध कर? पहली बात तो उनको बनारस में प्रवेश से रोका जाएगा। अगर पहुंच गया तो? अगर पहुंच गया तो उनके बीच में हमारे लोग रहेंगे, जो वो भाषण देने के लिए मंच पर खड़े होंगे, देवे बैनर पोस्टर कड़े का झंडा लेके चिल्लाना शुरू करेंगे, वापस जाओ वापस जाओ। ऐसा नहीं, उनके भी लोगों में विवाद के कारण बन जाएगा, बन जाए क्या करे, लोकतंत्र में हमारा तो काम है वही करना। मारे जाएंगे बिना वजह का? कोई नहीं मारा, किसके हिम्मत हमार दी हमने आदमी के? अरे आप लोग उनसे मार देंगे? हम लोग क्यों मारेंगे? हम लोग मारने वाले नहीं है, हम लोग गांधीवादी नेता हैं। मार दो एक थप्पड़ दूसरा गाल गाल धरा देंगे। अभी अभी आप केवल पोस्टर कर रहे थे, इतना आपूर्तिक होकर बात करने लग पड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता वहाँ जो सिचुएशन होगा वो हिंसात्मक हो जाएगा? हिंसात्मक नहीं होगा, मेरे लोग उन लोगों को समझाएंगे और बताएंगे और जागरूक करेंगे कि क्यों इसके चक्कर पर ठग राज के चक्कर में 20 साल से ठगर तुम लोग के बुढ़ौती आ गई, कितने जने मर गई ला, बर्बाद हुई ला, एगो लड्डू एगो समोसा पत्र दौड़ दौड़ के समय बर्बाद कर।